टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सनैरियोज ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मिस कैरेज एंड मोलर प्रेगनेंसी जब भी एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी का केस आता है तो उसमें uh, यह सिम्टम जरूर होती हैं एक तो ए मनोरिया क्योंकि प्रेगनेंसी है तो मैंस्ट्रल साइकिल स्टॉप हो जाएगा विजाइनल ब्लीडिंग uh, ये मिस कैरेज में भी होती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी होती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में एबडामिनल पेन और टेंडरनेस होती है जबकि मिसकैरेज में इस तरह नहीं होता विजाइनल ब्लीडिंग मिस में बहुत ज़्यादा होती है जबकि एक टॉपिक प्रेग्नेंसी में माइल्ड विजाइनल ब्लीडिंग होती है ठीक है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में चूंकि एम्बियो के किसी एबनॉर्मल साइड के ऊपर इम्प्लान्टशन हुई होती है इस वजह से एक एडिनेक्सल मास होता है जबकि मिस कैरिज के केस में एडिनेक्सल मास नहीं होता जब भी उसका सिनेरियो आता है उसमें सर्वाइकल ऑस का जिक्र होता है या फीटल हार्ट रेट का जिक्र होता है जबकि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में एडिनेक्सल मास का जिक्र होता है और टेंडरनेस का जिक्र होता है ठीक है अगर ये रप्चर हो जाएगी तो हाइपोटेंशन और इंक्रीज पल्स ये वाले सिम्टम्स अगर होंगी तो इट मीन्स कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है मिसकैरेज का जब भी सिनेरियो आता है उसमें एक तो ट्वेंटी फोर वीक्स से पहले का जिक्र जरूर होता है मीन्स के नाइन्थ वीक या टेन वीक मीन हमेशा ट्वेंटी फोर वीक से पहले मिस कैरेज होता है इसमें ज़्यादातर मिस्ड मिस कैरेज आता है मिसड मिस कैरेज में फ़ीटस क्या होता है डेड हो जाता है मीन्स के फीटस की मदर की वोम में डेथ हो जाती है लेकिन मदर को उसका पता नहीं होता है एसिम्टोमेटिक अगर केस हो तो उसको हम कहते हैं मिस्ड मिस कैरेज ठीक है इसके अंदर फ़ीमेल की वोम के अंदर फीटस होता है लेकिन वो डेड होता है इसलिए उसके अंदर कोई फीटल हार्ट रेट नहीं होता और ऑस क्लोज्ड होता है इसके अलावा थ्रेटेड मिस कैरेज इसमें फीमेल प्रेग्नेंट होती है लेकिन मिस कैरेज का सिंपल रिस्क होता है इसलिए ऑस क्लोज होता है प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है और फिटल हार्ट रेट भी होता है जबकि कंप्लीट इसका भी सिनेरियो आया हुआ है इस केस में क्या होता है कि फीमेल पहले स्पोज के घर में थी उस वक्त उसको बहुत ज्यादा बिजनेल ब्लीडिंग हुई मिस कैरेज में हैवी मैंस्टल ब्लीडिंग होती है ठीक है बहुत ज्यादा मैंस्टल ब्लीडिंग हुई लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल में आई और उसका अल्ट्रासाउंड किया तो यूट्रस बिल्कुल एम्पटी था और उससे पहले उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ था इट मीन्स कि वो कंफर्म उसकी प्रेगनेंसी कन्फर्म थी और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में आई आफ्टर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो उसका यूट्रस एम्पटी था और ऑस क्लोज था इसका मतलब कि कम्प्लीटली जितनी भी कंसेप्शन की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी एक्सपेल हो चुकी हैं सो तो इट विल बी कम्प्लीट मिसकेरेज जबकि इनकम्प्लीट मिसकेरेज का जब भी सनायरियो आता है उसके अंदर रिटेन प्रोडक्ट्स का जिक्र जरूर होता है मतलब कुछ कंसेप्शन uh, की प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो चुकी हैं एक्सपेल हो चुकी हैं और कुछ अभी तक सर्विस के अंदर नजर आ रही हैं तो ये रिटेन प्रोडक्ट्स का वर्ड और एम्पटी यूट्रस ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ कम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट मिसकेरेज और मोलर प्रेगनेंसी का जब भी सनारियो आता है तो मोलर प्रेगनेंसी बेसिकली ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो uh, की इम्प्लेशन होती है जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा के अंदर चूंकि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉलीफ्रेट करते हैं जिसकी वजह से यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है लेकिन कोई फिटल पार्ट्स अल्ट्रासाउंड पे हमें uh, नहीं मिलते तो यूट्रस लार्ज फॉर डेट होता है इसकी टू रीजंस होती हैं एक तो ट्रोफोब्लास्टिक प्रॉलीफ्रेशन दूसरा इसके अंदर ब्लड सारा यूट्रस के अंदर कलेक्ट हो जाता है सो तो उस ब्लड की कलेक्शन की वजह से यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो कोई फीटल पार्ट्स नहीं होते और बीटा एचसीजी इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा होता है मीन वन लाख से भी ज़्यादा होता है उसकी रीज़न ये है कि ये सेंसीशियोर ट्रोफोब्लास्ट से बीटा एचसीजी बनता है और मोलर प्रेगनेंसी के अंदर चूँकि एबनॉर्मल प्लेस सेंटर बन रहा है और ट्रोफोब्लास्ट खासतौर पर सिंसीशियोर ट्रोफोब्लास्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉलीफेरेशन हो रही होती है इस वजह से बीटा एच का लेवल बहुत ज़्यादा होता है नो डाउट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी बीटा एच का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन उस केस में थ्री थाउजेंड से समथिंग ज्यादा होता है बट इस केस में वन लैख से भी ज़्यादा होता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी में एक और पॉइंट रह गया कि इसके अंदर यूट्रस के अंदर फीटस नहीं होता इसलिए गेस्टेशनल सैक कोई भी नहीं होगा जबकि एडिनेक्सल मास हो सकता है मींस के फलोपियन ट्यूब या एम्पुला या किसी जगह पे भी कोई मास हो सकता है उसको हम एडिनेक्सल मास कहते हैं और अगर अप्चर हो जाए तो फ्री फ्लूड मिलता है जबकि मिस के केस में गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट होता है जब भी गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट होगा वो मिस का केस होता है गेस्टेशनल सैक का मतलब कि फीटस प्रेजेंट है तो अब देखो थ्रेटन के केस में भी फीटस प्रेजेंट है मिस्ड मिस में भी इनएविटेबल इन सारों के अंदर फीटस प्रेजेंट है इसका मतलब कि गेस्टेशनल सैक अगर प्रेजेंट है और फिर फीटल हार्ट नहीं आ रहा इसका मतलब कि वो मिस कैरेज है और अगर गेस्टेशनल सेक है और फीटल हार्ट नहीं आ रहा मीन हार्ट रेट नहीं आ रहा दैट विल बी मिस्ड मिस कैरेज लेकिन अगर गेस्टेशनल सेक नहीं है और बीटा एच का लेवल ज़्यादा है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस होगा